तो इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से है, जहां एमएलसी चुनाव की मतगणना आज है। आपको बता दें कि सपा और भाजपा प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर है। तो बड़ी खबर आपको बरेली से बता रहे हैं, जहां एमएलसी चुनाव की मतगणना आज है। आपको बता दें कि भाजपा और सपा प्रत्याशी आमने सामने हैं। तो परसा खेड़ा के स्टेट वेयर हाउस में मतगणना होगी। बीजेपी से जयपाल सिंह है प्रत्याशी और सपा से शिव प्रताप सिंह यादव से उनका मुकाबला है। तो 70 से ज़्यादा मतगणना कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। दो शिफ्टों में मतगणना करी जाएगी और इसके लिए मतगणना कर्मी जो है वो वोटों की गिनती करेंगे। 14 टेबलों पर गिनती होगी और एक टेबल पर 4 कर्मी तैनात होंगे। तो आयोग की तरफ से जीत के जुलूस पर पाबंदी रहेगी। तो बड़ी खबर आपको बरेली से बता रहे हैं, जहां एमएलसी चुनाव की आज मतगणना होनी है। भाजपा और सपा प्रत्याशी में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का जो मतगणना के समय हुजूम लगा था। आपको बता दें कि आज मतगणना होनी है और इस दौरान भाजपा की तरफ से जयपाल सिंह मैदान में है, साथ ही सपा की तरफ से शिव प्रताप सिंह यादव है, चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो 70 से ज्यादा मतगणना कर्मियों की इस दौरान ड्यूटी लगाई गई है। दो शिफ्टों में मतगणना कर्मी वोटों की गिनती करेंगे। 14 टेबलों पर आपको बता दें कि गिनती होगी और एक टेबल पर 4 कर्मी तैनात रहेंगे। तो आयोग की तरफ से जीत के बाद जुलूस पर पाबंदी रहेगी। पूरे 9 जिले हैं जो बरेली मुरादाबाद के 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनका एमएलसी जो स्नातक खंड है उसकी जिसका 30th को वोट पड़ा था उसकी आज काउंटिंग प्रातः 8 बजे शुरू हो गई। 8 बजे स्ट्रॉन्ग रूम खोला गया। 246 बूथ जितने हमारे थे, इन सब के जो मतपेटिकाएँ हैं सभी एकदम इंटैक्ट थी। कैंडिडेट्स 3 कैंडिडेट्स आ गए थे, उनके समक्ष ही वीडियोग्राफी के साथ स्ट्रॉन्ग रूम खोला गया। 14 टेबल्स लग गई हैं और 14 टेबल्स पे अभी फर्स्ट राउंड से शुरू हो गया है काउंटिंग। और ये 2 शिफ्ट में मोस्टली चलेगा। 92,000 वोट्स पोल्ड हुए हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि पोल परसेंटेज बहुत अच्छा रहा है। पूरे 9 जिले हैं जो बरेली मुरादाबाद के 9 डिस्ट्रिक्ट्स। तो आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव की आज मतगणना होनी है और मतगणना को लेकर तमाम तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि 2 शिफ्टों में मतगणना कर्मी वोटों की गिनती करेंगे। 14 टेबलों पर वोटों की गिनती होगी, तो एक टेबल पर 4 मतकर्मी तैनात रहेंगे। आपको बता दें कि आयोग की तरफ से जीत के बाद जुलूस पर पाबंदी रहेगी। तो ऐसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मतगणना स्थल से हमारे सहयोगी शशांक राठौर जुड़ चुके हैं। शशांक, एमएलसी चुनाव की आज मतगणना होनी है, मतगणना को लेकर क्या कुछ अभी स्थिति है वहां पर? उधर मैं आपको बताना चाहूंगा, इस समय मतगणना स्थल पे कुछ देरी होगी क्योंकि इस साल पोस्टल बैलेट पर ये चुनाव हुआ है। तो अभी तकरीबन ये 1 बजे के करीब ये मतगणना यहाँ पे स्टार्ट होगी और देर रात तक ये मतगणना चलेगी। शशांक, आप हमें विजुअल दिखा सकते हैं कि किस तरह वहां पर अभी स्थिति है? सुरक्षा कर्मी भी हम देख पा रहे हैं आपके पीछे। ये आप देख सकते हैं, जैसे सुरक्षा कर्मी में अभी पूरी तरीके से चाक चौबंद यहाँ पे पूरी सुरक्षा है और आला अधिकारी यहाँ पर बार बार दौरा करके जा रहे हैं क्योंकि मतगणना में देरी है। तो इसीलिए अभी जो है प्रक्रिया में थोड़ा लेट है और सब जो मत गणना करने वाले लोग हैं वो इधर उधर अभी हैं। तो कुछ देर में यहाँ पे मतगणना होगी। लेकिन बात करें अगर हम चुनाव की, तो भाजपा और सपा के बीच एक कड़ी टक्कर होगी। और जहां तक चुनावी विश्लेषकों की बात माने तो भाजपा की जीत, वो बता रहे हैं कि इस बार भारी मतों से भाजपा जीतेगी क्योंकि 1986 से लेकर 2017 तक बरेली में इस सीट पर भाजपा का ही कब्जा रहा है। और 2017 में जब चुनाव में समाजवादी सरकार ने रेणु मिश्रा को इस उपचुनाव में लड़ाया था तब उन्हें 15,000 वोट मिले थे और भाजपा के जयपाल सिंह व्यस्त को 39,000 वोट मिले थे और 23,000 वोटों से वो इस चुनाव को जीते थे। तो कहीं ना कहीं ये एक चीज देखने को मिली है कि कहीं इस बार हैट्रिक करेगी भाजपा उधर। जी शशांक, कर बात करें तो दोनों ही पार्टी के प्रत्याशियों में कितना उत्साह नजर आ रहा है मतगणना को लेकर? इसके अगर हम बात करें तो ये भी बताया जा रहा है कि 70 से ज्यादा जो मतगणना कर्मी है उनकी ड्यूटी भी लगाई गई है मौके पर। आप उधर मैं बताना चाहूंगा, 76 कर्मियों की लगाई गई है ड्यूटी और 20 कर्मियों को बैकअप में रखा गया है ताकि अगर कोई जरूरत पड़े, क्योंकि 2 राउंड में ये मतगणना पूरी होगी। और बात करें अगर प्रत्याशियों की, तो दोनों ही प्रत्याशी अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है
और कहीं ना कहीं भाजपा इसीलिए आश्वस्त है क्योंकि वो संगठन का वहां पे, जब भाजपा की बात आती है तो संगठन पुरजोर, चाहे छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, तो पूरी अपनी जोर एकदम लगा देती है ताकि इस चुनाव को जीता जाए। और बात करें मतदाताओं की, तो 172,000 मतदाता इस 9 जिलों में, बरेली मुरादाबाद मंडल के 9 जिलों में है, जिनमें से 92,000 मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग किया है। और कहीं ना कहीं चुनावी विश्लेषकों का माने तो भाजपा को इस बार बड़ी जीत का दावा किया जा रहा है। उदय जी, शशांक, अगर बात करें तो अभी तक मतगणना शुरू क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि जिस तरह से समय जो सुबह का निर्धारित किया गया था और अभी तक मतगणना शुरू नहीं हो पाई, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे वजह, बड़ी वजह ये रही है कि पोस्टल बैलेट की वजह से अभी गिनतियां शुरू होने में थोड़ा समय लग रहा है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो थोड़ी और देरी होने की आशंका है और देर रात तक कहीं जाके इसका रिजल्ट घोषित हो पाएगा। उदय जी, शशांक, अगर बात करें तो जिस तरह से नतीजे सामने आएंगे, उस तरह से हमने ये भी देखा है कि आयोग ने जीते हुए प्रत्याशियों पर पाबंदी भी लगाई है कि आप जुलूस वगैरह नहीं निकाल सकते, इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रत्याशियों में एक मायूसी जरूर नजर आ रही होगी। साफ तौर पर कमिश्नर बरेली और डीएम बरेली ने आदेश जारी कर दिए हैं कि निष्पक्ष तरीके से इसको मतगणना को पूरा कराया जाए और जो भी उन्होंने आयोग के आदेश है उनका पूरी तरीके से पालन हो और जो भी यहाँ पर जुलूस के ऊपर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया है ताकि कोई भी ऐसी घटना ना घटे और आराम से ये सारी निष्पक्ष तरीके से ये मतगणना पूरी हो सके। जी शशांक, आप हमें अपने पीछे के विजुअल अवश्य दिखाएं ताकि हम देख सकें कि किस जगह पर मतगणना हो रही है और किस जगह पर जो है मतों की अभी गिनती होने वाली है। उधर मैं आपको दिखाना चाहूंगा पूरी तरीके से, चाक चौबंद है, हल्के हल्के मतगणना के स्थल पीछे आप मेरे देख सकते हैं, सुरक्षा कर्मी तैनात हैं और जितनी देर में, अभी थोड़ी बहुत देर में यहाँ पे मतगणना शुरू होगी और पूरी तरीके से चाक चौबंद सुरक्षा है क्योंकि आला अधिकारियों का पूरी तरीके से यहाँ पे आना जाना लगा हुआ है और सुरक्षा को उन्होंने पूरी तरीके से चाक चौबंद कर रखा है। उधर जी शशांक, इस पूरे मामले में अगर हम बात करें, जिस तरह से सुबह जो है मतों की गिनती होनी थी लेकिन अभी तक हो नहीं पाई है, ऐसे में थोड़ा वक्त और लगेगा क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि बैलेट पेपर की गिनती होनी है और उसमें वक्त लग रहा है, अगर बात करें तो कब तक फाइनल नतीजे आ जाएंगे, क्योंकि अभी तो गिनती भी शुरू नहीं हुई है, तो ऐसे में रात अधिक हो सकती है। पोस्टल बैलेट की वजह से ये मतगणना में देरी हो रही है तो कहीं ना कहीं माने तो 16 घंटे का समय लग सकता है रिजल्ट आने में और देर रात ये रिजल्ट यहाँ पर घोषित होगा। जी शशांक, धन्यवाद आपका इस कॉर्पोरेट जानकारी के लिए, लेकिन आप नजरें बनाए रखिए, जैसे ही मतों की गिनती होगी हम आपको जरूर एक बार जोड़ेंगे इस खबर पर अपडेट के लिए। धन्यवाद शशांक। तो बता दें कि एमएलसी चुनाव की आज मतगणना होनी है और मतगणना का समय सुबह निर्धारित किया था लेकिन किन्हीं कारणों के चलते अभी तक मतगणना जो है वो शुरू नहीं हो पाई है। हालांकि हमारे सहयोगी का भी यही कहना है कि मतगणना होने में अभी भी थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा।